सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेदरराइट पार्कोर। जिन जिन लोगों ने पिछला देखा नहीं है जाके देख लो भाई, इन्हें इधर निकलता नहीं है। चल चलते। तो यहाँ पे रूल्स बहुत सिंपल है, हमें एमरल्ड के ब्लॉक पर मारा जाएगा, मर जाएंगे अगर नहीं। 10 लेवल्स होने वाले। हाँ, गोल्ड ब्लॉक चेक पॉइंट होगा एंड हाँ, बैरियर ब्लॉक्स होने वाले। यूट्यूब रिकॉर्ड, हाँ ये सब उनका फॉलो वॉलो है, जाके कर लेना आप लोग उनको फॉलो एंड मेरे को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे रूल सिंपल है, नो चीटिंग। चीटिंग तो करना पड़ेगा ही ना, या करो नहीं करने वाला। मैं पिछली बार एक बार किया तो था थोड़ा सा, बट वो ये मेरे को डैमेज नहीं पड़ा। चलो फालतू के लिए बंद करते हैं। बट यार मुझे पहले से स्टार्टिंग से करना है, लेवल 2 से नहीं होगा ये। लेवल 1 ही बहुत हार्ड है भाई, तो जल्दी से इसको पे पार कर। अबे ये क्या था, मुझे ना क्राउच भी करना पड़ेगा। ये तो लेवल 1 बताएगा मैं। अबे ये क्या था, अगर हम मारेंगे तो हमें चेक पॉइंट मिलने वाला है गोल्ड ब्लॉक पे। बट पहले इस तरफ में ना गाइस एक बैरियर ब्लॉक है, तो मुझे उसे संभाल के इधर जाना है, जो कि थोड़ा सा आसान था। यहाँ पे लास्ट टाइम तो भाई हालत पतली। अबे हट, क्राउच क्यों नहीं हो पाया मैं। वैसे थोड़ा आसान होगा क्योंकि पिछली बार इतना प्रैक्टिस किया था ना यहाँ पे। यहाँ पे क्राउच नहीं। अबे ये फालतू गिरी नहीं चलने चाहिए यार। मैं आपको सीधा गोल्ड के ब्लॉक पे मिलता हूँ भाई। इस बार तो मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करी है, सच में मेहनत से आया हूँ मैं। बट अगर मैं मरता हूँ तो टेंशन की ना ही, अभी वापस से करने के आना पड़ेगा। देखो मैं वापस से करके आ चुका हूँ, सच में मैंने पूरा पार के। चलो आपको ना दिखाई, छिपा आवाज बंद कर, आपको दिखाई देता हूँ कि मैंने ही पार किया है। अभी एक मिनट, चढ़ के नहीं पाया। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास चेक पॉइंट है। बट अगर मैं एक और बार गिरा ना, ये लास्ट था, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। बट बैंडी, बट मैंने सच में किया है यार। एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुश्किल से आया हूँ वैसे ही मैं तो। ये जाना यहाँ पे, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट है नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ? नो भाई, रूल्स में पहले ही लिखा हुआ नो चीटिंग। क्रिएटिव भी नहीं जा पा रहा था मैं। चाहे तो आप चीट चेक कर सकते हो, यू हैव बीन टेलीपोर्टेड टू 054.0 एंड 2. अब देख सकते हो मैंने कहीं पर भी नहीं, मतलब लिख के नहीं आया। नहीं तो गेम सेट करते तो हमें लिख के आता है कि हमने, हाँ हमने गेम मोड चेंज किया है। बट नहीं, इसमें गेम मोड चेंज करना बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। पिछली बार तो हो गया था पता नहीं कैसे। सीधा नेक्स्ट लेवल पे मिलता हूँ आपको। मतलब हम ना कुछ ऐसे भी है, सिर्फ उनको चल के पार किया जा सके, जैसे कि ये। अरे नहीं हुआ, जंप ही नहीं हुआ। मतलब देखो तो बाहर लिख के आ रहा है नेदरराइट पार्कोर करके। एंड ये ऊपर के ग्लास भी हम तोड़ नहीं सकते। हाँ अभी ना मैंने ट्रिक्स
सोच रहा हूँ जाऊँगा ना ऐसे क्राउच हो जाऊँगा मैं। अरे ये क्या था, ये कूदता क्यों नहीं है? ये थोड़े पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न दे देते मेरे को, मीन्स आप लोगों को मज़ा आ रहा है ये तो लाइक कर दो जल्दी से। काय का मज़ा, इतना नूबों की तरह मैं कर रहा हूँ यार, बार बार मरे जा रहा हूँ। तो भैंडी ये इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को, मीन्स अलग ही लग रहा है कुछ। अरे यार वो थोड़ा लॉन्ग जंप, इसलिए हमें दो ब्लॉकों का जंप दिया गया है। यहाँ पे क्राउच, वो भाई मैं क्राउच करने वाला था। ये थोड़ा टफ था, लास्ट टाइम मुझे यहीं पे फंसा नहीं था। ये वाला तो कुछ ज़्यादा ईजी है, बट थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एंड लेट्स गो। ए वेट, अभी नेक्स्ट वाला पता नहीं कहाँ पे है। यहाँ पे अभी ये लैडर वाला इजी है बहुत, बस कुछ नहीं मुझे ये करना है। अबे ये यार इजी है बहुत, ये बहुत इजी है, मीन्स इतना ये वाला तो कुछ ज़्यादा इजी है नहीं हो जाएगा, सच में हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये जंप क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे? मैं काम करूंगा ना, अब मुझे थोड़ा सा इधर से होना है। यार मैं खड़ा क्यों नहीं हो पाया उस पे, ये चीटिंग है यार। अभी यहाँ ये मक्खी साले, यहाँ पे ये नहीं, पॉइंट तो पहुंच चुका हूँ यार, जैसे तैसे पता नहीं कैसे कैसे। यार वो वाले में सबसे हार गया, ये वाला बहुत हार गया मैं, लैडर वाला। एंड आगे भी एक लैडर वाला है, इस पर चढ़ ही नहीं पा रहा, मुझे काम करना होगा एक ऐसे क्राउच करके छोड़ना। या देखो ये नहीं हो रहा है यार, क्या है इसका पीछे का लॉजिक? पहले थोड़ा सा पीछे होना। अरे यार भागना भाई, कहाँ जाना, कहाँ है? थोड़ा हार्ड तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही हो ही नहीं रहा। कुछ तो करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा बस। क्या कूदना ही है ना, मैं ऊपर देखे ऐसे कूदूंगा तो होगा। लेट्स सी,
अरे नहीं हो रहा यार, क्या ये मेरे को घंटा को समय में नहीं आ रहा। ऐसा तो और भी कुछ नहीं ना। अरे यहाँ पे रुक जाना, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था पता नहीं कैसे। ओ मुझे एकदम एच पे आते ही मुझे दबाना है, समझ गया मैं, समझ गया। यू माइंड ब्रो माइंड। अच्छा मुझे लगा मैं क्राउच नहीं हूँ, तो अभी तो गया होता मैं। ये थोड़ा इजी है, नहीं है मैंने, मुझे थोड़े एच पे कूदना था बट मैं नहीं कूदा पता नहीं क्यों। चेक लेट्स गो। अरे इजी भाई, शेल्कर बॉक्स। ओ मैं समझ गया भाई, क्या बनाया यार इस बंदे ने, पार्कौर बोले तो। ये क्या था? अच्छा मेरे को भागना नहीं था पे। शेल्कर बॉक्स खोला, भाग 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 भाग। ये अजीब ही बनाया ये शेल्कर बॉक्स खोलना। ये अगर माइनक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता ना कि शेल्कर बॉक्स खोलते तो भाई मतलब हम भी उड़ जाते। अगर एक मिनट, ये तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे पहले ही गेस कर लिया था उसको। आई थिंक सो मुझे इधर जाना है। हाँ मुझे इधर जाना है सबसे पहले, मुझे लगा यहाँ पे बैरियर ब्लॉक लगा हुआ है। अबे ही क्या था यार ये बात आ रहा है। एक बार चेक पॉइंट कहाँ भाई, भाई सब चेक पॉइंट आई नहीं, कहाँ ये चेक पॉइंट, देखो मुझे लगा चेक पॉइंट आई नहीं। ये पता है जल्दी से कूद ले इस पर, इतनी पतली सी रोड ही है ये। इधर कूद क्यों नहीं पाया पता नहीं क्यों, मैं उसको कूद नहीं पा रहा। पार्कौर तो अच्छा कर लो, पार्कौर तो मैं अच्छा। अरे क्या हो गया ये चढ़ना, वो यार अच्छा बना देते ही क्यों बनाया है, मेरा दिमाग की पाव भाजी हो रही है लिटरली यार। लिटरली मैं एच पे बच्चा हूँ क्योंकि वो शलकर ऊपर करके फिर नीचे करना बहुत हार्ड हो रहा है यार। पहले मैं थोड़ा सा, हाँ अभी मुझे यहाँ पे फास्टली नहीं वेट फास्टली करना था, ये तो मेरे को पता ही था बट हुआ क्यों नहीं। ए यार इस पे कूद क्यों नहीं पाते, वो वॉल पे कूद कूद एट। मैं उस पे था या नहीं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। हट, हाँ हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, भागना है क्राउच करना है, फिर मैं स्लो आ जाऊँगा या फिर बच जाऊँगा। यहाँ पे तो फास्ट ही करूँगा, गजब बेइज्जती यार। आज की ज़िंदगी में होगा या फिर नहीं मेरे को नहीं पता, मैं उस पर क्लिक करता तब तो भी नहीं 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 वो आपको एक बात बताऊँ, आप लोग सोच रहे कि अभी तो डायरेक्ट ना बहुत सारे माइनक्राफ्ट के ही भेजे जा रहा हूँ मैं, तो उसके पीछे के कारण है मेरे दोस्त, तो चलो उनको शाउट आउट ही कर देता हूँ थोड़े से दोस्तों को। जुनैद, अकील, अरुण, ये तीन दोस्त हैं जो पीछे पड़े हैं मुझे माइनक्राफ्ट की वीडियोज डाल, माइनक्राफ्ट की वीडियोज डाल। माइनक्राफ्ट मेरे पास था नहीं ना, तो पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने माइनक्राफ्ट डाउनलोड कर लिया है। इसको कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं। यहाँ पे कहीं बैरियर ब्लॉक लगा है क्या,
क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ आई थिंक सो कुछ बैरियर ब्लॉक ही लगाओ। अगर पीसी में होता ना थोड़ा इजी हो जाता, बिकॉज पीसी में क्या होता पता है, अब मनी चारों उंगलियां काम करती है, इधर एक ही उंगली एक एक संभालना पड़ता है यार। ऊपर से ना स्क्रीन हिलाने के लिए भी थोड़ा सा ही चाहिए होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है मोबाइल के अंदर। बट कोई नहीं, हम फिर भी कर लेंगे। ओ भाई ये वाला थोड़ा एपिक था, इस पर रन लेना मुश्किल होता है। देखो भाई मुझे एक काम करना है कि ना ये खोला, अरे यार ये ही नहीं हो रहा है, मैं इसमें ही बार बार फंस रहा हूँ। 20 मिनट इधर ही हो जाएंगे यार मेरे को लगता है। ये वाला बहुत हार्ड बना है, मीन्स यहाँ पर स्लैब ही नहीं है बीच में, फिर ब्लॉक है। एक बार मैं इसको पार कर देना मुझे चेक पॉइंट मिल जाएगा, ये शलकर वाले से तो मुक्ति पा जाऊँगा मैं। ये क्या हुआ, यही क्या था, मैं उल्टा क्यों हो गया। यहाँ पे अरे यार यार ये इतना भी हार्ड नहीं है, पर हो क्यों नहीं रहा है मुझसे। इसमें एक तो भागना भी डबल टैप करना पड़ता है, उतने में थोड़ा सा आगे भी चला जाता है इतना बंदा। बैटरी खत्म हो गई मेरी, ये हो गया था यार, ये ब्लॉक पार होते थोड़ा आसान पार करता ना है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो इधर ही खत्म कर दूं मैं, दिमाग का सच में वड़ा पाव हो गया यार, ऐसा लग रहा है किसी ने दिमाग को गटर में रख के आया है मेरे। बट नहीं, अब भी हम जिंदा है, पता नहीं कैसे ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र का सुखसाद है, ब्रह्म शक्तियाँ ओम शक्ति। ये क्या कर रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव श्री राम। फाइनली यो बॉयज एंड गर्ल्स, हम पहुंच चुके चेक पॉइंट, वो चेक पॉइंट, लेट्स गो। ये अच्छी बात थी, एंड यहाँ पे मुझे रुकना है। वे अब मुझे कहाँ जाना है, सामने आने लगता है, लेट्स गो। यहाँ पे अरे यार ही क्या था, मुझे ये लेवल तो पार करके ही रहूंगा मैं आज, कुछ भी हो जाए। चलो ये तो यहाँ से थोड़ा इजी था, पर यहाँ पे क्यों नहीं जा पाया मैं पता नहीं। व्हाट द हेल, ये क्या था, लेट्स गो। यहाँ पे थोड़ा सा उसने गैप रखा क्योंकि हम कूद पाए, मैं यहाँ पे क्यों नहीं जा पाया मुझे पता नहीं पड़ा। ओ भाई यार मैं क्राउची कर ले, तू क्राउची कर ले भाई, लेट्स गो नेक्स्ट लेवल। अरे भाई साहब ये तो नेक्स्ट इम्पॉस, अब कहना ना
ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक तो ग्लासेस डार्क है, एक तो नेदरराइट का पार्कोर भी है, तो थोड़ा सा डार्क। अरे ये क्या था? नहीं ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है मेरे को। बड़ी ग्लासेस है ये रही। मिस्टेक कैसी मिस्टेक? यहाँ पे हमें फॉल डैमेज नहीं पड़ता, तो ये अच्छी बात है। हंगर कम नहीं होता, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि वीडियो यहीं एंड करनी पड़ेगी, इधर जा ही नहीं पा रहा मैं। और देखो भाई लेट्स गो। यहाँ पे लेट्स गो। इजी पीजी, ये भी इजी पीजी। मुझे लगता है मैं ये वाला लेवल। लेट्स गो भाई, इजी है यार, बहुत इजी होगा। नहीं हो पाया वैसे, नहीं है इजी तो है ये, बहुत इजी है ये, अभी पार कर दूंगा मैं। इतना इजी, मैं कहाँ जाना था मैं भूल गया। हाँ अबे यार ये क्यों नहीं पार कर रहा मैं, इतना इजी तो है। अरे जल्दी से चलते भाग भाई। ये क्यों नहीं आ पा रहा? ये वाला स्टेज तो बहुत आसान दिया था ना मैंने। लेट्स गो। लेट्स गो यहाँ पे। ये तो पार हो जाएगा यार। ए यार ये क्यों कूदता क्यों नहीं है? लॉल, अब मैं लॉल क्यों बोल रहा हूँ भाई? मेरी बहन ने एक वीडियो लगाया है कितना अजीब वीडियो यार। ये स्टोरी क्या होती है कि एक दो अमीर कपल्स होते हैं जो जस्ट जा रहे होते हैं, एंड ना उन्हें भिखारी बोलती है, फिर उसके गले में एक पेंडल देख के वो बोलती है ये वही है, और फिर बोलती है ये हमारी ईवा है, मतलब ये हमारी बेटी है, तो ये इसको घर में ले जाते हैं। उसको पता होता है उसके भाई को कि ये वो उसकी बहन नहीं है, एंड ने पार्टी में उसको मतलब वो उसका भाई उसको बहुत चिढ़ाता है, उसको वो करता है नकली भाई। जैसे वो एक चोर होती है जिसने एक लड़की का पेंडेंट चुराया था, एंड उस पेंडेंट को उसने खुद ही पहन लिया था उसको बेचने के लिए। देन उसके बाद क्या होता है कि उसके मम्मी पापा उसके बेटों को समझाते उल्टा कि वो गलत बोल रहा है, बट यहाँ पे वो खुद लड़की गलत होती है। तो उससे क्या होता है कि बाद में एक पार्टी में जाते हैं ना, तो ईवा के अंदर ना एक वो लड़की देख लेती है जिसका पेंडेंट होता है, तो जिससे क्या होता है ना ईवा जो होती है वो पकड़ी जाती कि हाँ वो चोर है और उसने पेंडेंट चोरी किया है। तो इसके कारण ना बाद में जब उसके भाई को पता चलता है कि जिससे वो प्यार करता था वही इसकी कोई भी बहन है, इसलिए मैं लॉल बोला भाई। मतलब यार बेचारे के साथ कितना बड़ा स्कैम हो गया यार, इतना बड़ा स्कैम तो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा।
एंड ये पार क्यों नहीं हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है यार, ये यहाँ तक पहुँच गया था मैं। ये देखो भाई, अरे ये क्या हो रहा, भाग क्यों नहीं मर, यहाँ पर ये क्यों भाग क्यों नहीं पा रहा, ये कहाँ गया, हाँ क्यों नहीं हो रहा ये, यहाँ पे हर पीछे जाना है मेरे को, समझ गया, थोड़ा सा पीछे हो के यहाँ पे मुझे थोड़ा तो पीछे होना ही है, यहाँ से यहाँ पे कूद क्यों नहीं रहा तू, ये जो जंप का बटन है थोड़ा ऊपर हो गया था तो क्या होता, क्योंकि फ्री फायर में मेरा बटन वहाँ है, जंप तो मैं उसी से करता हूँ, तो उधर दबा रहा हूँ मैं फ्री फायर में जैसे जंप करते वैसे, यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा पीछे होना पड़ेगा। अरे यार यहाँ पे अबे यहाँ पे अरे कूदना, ज्यादा चल रहा है अपने।